दिन मेरा लगता नहीं, हम क्या माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त बैठे हैं कहाँ पे देख रहे होंगे, इस वक्त देखती हैं आपको सुनते गानों को हुमायूं मुगल का, जापान से नहीं बल्कि लाहौर से सलाम अर्ज़ है। इस वक्त मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो पोते हैं, दादे हैं, जो भी हैं, उनका घराना है, उनकी पूरी एक फैमिली है बहुत बड़ी, उनके घर में मौजूद, और मेरे साथ मौजूद हैं काले खान बाग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब? आपकी दुआएं, आप सुनाएं मेरे साथ कैसे हैं? जापान में आपने बढ़िया रौनकें लगाई हमारे साथ, बड़ा एंटरटेनमेंट किया। बिल्कुल जी, बड़ा मजा आया माशाल्लाह। तो मैं चाह रहा था आज आपके यहाँ दरबार पे हाजिरी देनी थी, मैं हाजिरी देने आ गई हूँ आपके पास। तो आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, आप पाकिस्तान आए, पहले इस्लामाबाद आए, फिर लाहौर तशरीफ लाए हमारे घर, आज मैयो साहब आए हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, बड़ा प्यार दिया आपने, आपने बुलाया, आपके हाजिरी देने के लिए मेरा फर्ज बनता था। तो जापान में आपसे हमें बड़ा प्यार मिला। नहीं, आपने आपने जापानियों को बहुत बड़ा प्यार दिया जनाब, ये जापानियों का प्यार था जो मैं आपको यहाँ पर। सब लोगों ने बड़ा हमें प्यार दिया, शाकर साहब ने, रमजान साहब ने, फैज भाई ने, और जो ज्यादा हमारे साथ मेहनत किया, जो हमारे साथ भी जाते थे, हमारे प्रोग्राम करवाते थे, राशिद मामू। माशाल्लाह, राशिद मामू की बहुत स्ट्रगल है, राशिद जितना हम जागते थे ना उतने राशिद मामू हमारे साथ जागते थे। तो बड़ा प्यार मिला हर्ष भाई से, उनके छोटे भाई हमजा और काफी यूसुफ गिलानी साहब हैं, बाकी सब लोगों से, राणा अशफाक साहब हैं, मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले सकता सॉरी, तो पूरे जितने हमारे वहाँ जापान में पाकिस्तानी लोग हैं सबसे बहुत बहुत हमें माशाल्लाह। खान साहब ने सबका शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इनको बड़ा प्यार दिया है और हम चाह रहे हैं इनको दोबारा फिर। और हमें अमैया साहब बड़ी बात ये है, हमें जापान हम फर्स्ट टाइम गए थे, लताफत भाई तो दूसरी दफा गए, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम, पूरी हमारी टीम फर्स्ट टाइम गई है, तो हमें वहाँ परदेश नहीं लगा कि हम परदेश में आए हैं। उन्होंने प्यार ही इतना हमें दिया कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम लाहौर में ही हैं, लाहौर में, पाकिस्तान में, देश में, परदेश में एक बना दिया सबको ना। बड़ा तो नाजिम खान साहब ने बड़ा अच्छा इनका एक रूहानी कलाम है जो मुझे टच करती है ना, जो नुसरत फतेह अली खान की जो रूह है ना वो लगता है इनके अंदर बोलती है, उनकी माशाल्लाह जो है गारे होते हैं ना, मुझे फील हुआ है, और वही जो उनकी वो हस्की किस्म की वो साउंड थी ना, वो अलाप में इनके अंदर भी है, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे इनको सिर्फ कवाली नहीं बल्कि सोलो में भी, और बहुत सारे ये प्रोग्राम कर सकते हैं, बल्कि जापानीज मीडिया के साथ, जापानीज एंटरटेनमेंट के साथ, जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं, मैं चाहूँगा इनके साथ इनका कोई फ्यूजन हो इस किस्म का, कि जिस तरीके से नुसरत फतेह अली खान साहब ने म्यूजिक को दुनिया में फैलाया ना, खान साहब भी इसको दुनिया में फैलाने की कोशिश, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उनकी दुआएं हैं। बल्कि आपको तो पता है, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, मेरे फादर नुसरत फतेह खान साहब के साथ 25 साल उन्होंने सेकंड हारमोनियम पर संगत की, एक हारमोनियम पर उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के फादर फर्क फतेह अली खान साहब, और दूसरे बाजे पे मेरे फादर, 25 साल उन्होंने खान साहब के साथ एक अरसा गुजारा है। तो मेरा नाम भी खान साहब ने रखा है, काले काले खान, हाँ, अल्लाह तुम्हें बाग लाई रखे, माशाल्लाह, ये वही बाग है जी, ये वही बाग है, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने मेरा नाम काले खान बाग नहीं, अल्लाह सल्लत अल्लाह इनको बाग लगाई रखे। तो नाज़रीन, मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंटरव्यू, कल मैं चाहूंगा इनकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, कि मैं चाह रहा हूँ कि खान साहब की जो हिस्ट्री है ना, कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि मेरे ख्याल मीडिया में नहीं आई होंगी, उनको मैं एडिट करके इनके साथ एक स्टोरी लिखूंगा आज, तो कल कोशिश करूंगा कि आपका एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए 10-15 मिनट की, तो कल इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। और एक और हस्ती मेरे पास बैठी जी, मैं ये इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जी, फरक अली भाई मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं जी जी, मेरा जी इनके साथ 20-25 साल से, ये जब स्टार्ट कर रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये जब स्टार्ट ले रहे थे खान साहब, जब रियाज कर रहे थे, तो तब से हमारा आपस में मिलना जुलना है, और मैं इनको कहता था एक ही बात, मैं कहता था आपके जो वालिद साहब है वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, और दूसरी बात ये थी कि हमारे एक अंकल भी थे, वो भी इनके साथ बड़े मुंसलिक थे, इनके वालिद के साथ, तो हमारा आपस में मिलना जुलना बड़ा कम रहा है बाहर की वजह से, कि मैं ज्यादा बाहर रहा हूँ,
बहरीन होते हैं ना, मुझे बताया ना, सऊदीया बहरीन, तो और बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी फर्रुख भाई ने प्रमोट किया, बल्कि कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह जी जी जरूर जरूर हमारी बारी आ गई। जी जरूर जनाब, देर आए दुरुस्त आए, दो तीन दफा मैं झूठ नहीं कहता हूँ, दो तीन दफा मैंने कोशिश की थी, बीच में कुछ ऐसे लोग थे इनके साथ जो अटैच थे, वो नहीं चाहते थे कि ये मेरे से डायरेक्ट हो, ठीक है, तो फिर वो इनके भाई ने मुझे काफी, लताफत भाई ने, वो लताफत भाई ने मेरे, वो मेरे दोस्त बने, माशाल्लाह, ठीक है, तो वो उनके जरिए, तो फिर तो मैंने उनको कहा मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा आप कैसे जानते हो, मैंने कहा आप पूछे, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जानते हो तो बस ठीक हो गया, फिर अभी हमारे साथ डायरेक्ट काम करे, मैंने कहा चले अभी जो है ना इनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहरीन टू सऊदीया जो है ना वो हम बनाएंगे, क्योंकि अभी सऊदीया नई प्लेस है और नई प्लेस के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है गाने में, गाने का वहाँ पे हॉल्स भी और ये भी, और बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से परमिशंस हैं, अब पहले नहीं था लेकिन अब है, तो अब मैं इनको, बहरीन छोटा है, कम से कम इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब ये सऊदीया जाएंगे ना, सऊदीया को ये खत्म नहीं कर सकेंगे, एक माँ भी, सऊदीया इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सऊदीया सिर्फ हज करने की जगह नहीं है, बल्कि वहाँ रूह की ग़िज़ा भी अब जो है पाकिस्तान से जानी शुरू होगी, और सरसद भाई काम शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम खान साहब को प्रमोट किया जाए मिडिल ईस्ट में भी, जापान में भी, और बल्कि यूरोप में भी। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जरा एक थोड़ा सा सुर छेड़े ताकि हम इसको एंडिंग करें। सगमदा एक बारी एड़ी कलो गुस्से दस चल मेरे तेरिया मैं तेरी एड़ी कलो गुस्से आने वाली लकड़ी चुकोद माया कमरे जानी ना कमरे हसी
माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी, ये थे मेरे साथ काले खान भाग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काले खान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।